Welcome everyone. Today we are going to discuss breakpoint chlorination, which is also known as disinfection method of drinking water. Surface water is used for the purpose of drinking water. अगर हम drinking water के parameters की बात करें तो drinking water should be colorless, odorless, and we know उसकी pH क्या होनी चाहिए, TDS क्या होना चाहिए. But आज जो हम point mainly discuss करने जा रहे हैं, it should be pathogen free. Pathogens. Pathogens are those microorganism or we can say bacteria or virus which produce disease. यानी कि pathogen वो bacteria या virus होते हैं जो कि disease produce करते हैं. तो अगर हम सोचें कि disinfection method of drinking water कैसे किया जा सकता है, तो सबसे पहले समझते हैं what is the contamination in surface water जिसको हम drinking water की तरह use करने जा रहे हैं. तो जो हमारा सरफेस वाटर होता है उसमें फ्लोटिंग मैटर्स प्रेजेंट होते हैं, सस्पेंडेड पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं एज इम्प्योरिटी, कोलोइडल पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होती हैं. माइक्रो ऑर्गेनिज्म मीन्स बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआस. तो हमें मेनली माइक्रो, जब हम पूरे वाटर का प्योरिफिकेशन कर लेते हैं तो हम फ्लोटिंग मैटर को भी रिमूव कर देते हैं, सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज को भी रिमूव कर देते हैं और कोलाइडल इम्प्योरिटीज को भी रिमूव कर देते हैं. और फाइनल स्टेज पर हम बात करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म की. तो इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो रिमूवल है वही कहलाता है डिसइंफेक्शन मेथड ऑफ ड्रिंकिंग वाटर. सो हम डिसइंफेक्शन मेथड को समझ सकते हैं, या डिसइंफेक्शन क्या है, दैट इज द मेथड इन विच वी डिस्ट्रॉय द पैथोजेंस. पैथोजन क्या है? डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है. तो हमारा वो मेथड जिसमें हम पैथोजन को डिस्ट्रॉय करते हैं उसी को हम डिसइंफेक्शन मेथड कहते हैं. डिसइंफेक्शन कई मेथड से किया जा सकता है, जैसे कि क्लोरीनेशन, जैसे कि ओजोन ट्रीटमेंट, जैसे कि यूवी ट्रीटमेंट. तो यहां पर जो ब्रॉडली और वाइडली यूज्ड होने वाला मेथड है दैट इज क्लोरीनेशन मेथड. और आज हम इसी के ब्रेक पॉइंट की बात करने जा रहे हैं कि क्लोरीनेशन का ब्रेक पॉइंट क्या होता है. तो क्लोरीनेशन मेथड में हम क्या करते हैं, हम अपने वाटर को, जिसको ड्रिंकिंग वाटर को जिसको हम डिसइंफेक्शन मेथड करना चाहते हैं क्लोरीनेशन के थ्रू, तो हम क्या करते हैं उसमें क्लोरीन ऐड करते हैं. क्लोरीन ऐड करने के लिए हम उसमें ब्लीचिंग पाउडर भी यूज कर सकते हैं या ऐड कर सकते हैं, क्लोरामीन्स भी ऐड कर सकते हैं, या लिक्विड और गैसियस फॉर्म में क्लोरीन को हम ऐड कर सकते हैं. ऐसा करने से क्या होगा, जो क्लोरीन होगी वो वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइपोक्लोरस एसिड बना देगी. ये HOCl ही हमारे जो पैथोजेंस होते हैं उनके एंजाइम को डिस्ट्रॉय करता है, जिसकी वजह से पैथोजन डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. तो ये HOCl क्या होता है, ये मेनली आयनिक फॉर्म में रहता है, ये मेनली आयनिक फॉर्म में रहता है. तो ये इक्विवेलेंट अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं जब बनते हैं, लेकिन उनको इक्विवेलेंट में मेंटेन रखने के लिए हमारा पीएच वाटर का 6.5 मेंटेन रखना होता है. तो ये होता है क्लोरीनेशन मेथड, जो कि पीएच पर डिपेंड करेगा और हमारी जो क्लोरीन, ये जो हाइपोक्लोरस एसिड बनेगा ये पैथोजन को डिस्ट्रॉय करेगा. अब इसको डिस्ट्रॉय करने के लिए जब क्लोरीन ऐड की जाएगी तो कितनी अमाउंट ऑफ क्लोरीन हमें चाहिए, वो क्या अमाउंट होगी जिसको ऐड करने पर डिसइंफेक्शन मेथड होगा. तो हमें एज सच ये कहीं भी मेंशन नहीं है कि हमें कितना अमाउंट क्लोरीन का यूज करना चाहिए, हाउ मच अमाउंट ऑफ क्लोरीन वी शुड यूज. मेन क्वेश्चन इज दैट हाउ मच अमाउंट ऑफ क्लोरीन वी हैव टू यूज, बिकॉज जो वॉटर हम यूज करने जा रहे हैं उस वॉटर में, दैट वॉटर में कंटेन रिड्यूसिंग कंपाउंड्स, उस वॉटर में रिड्यूसिंग कंपाउंड्स हो सकते हैं.
क्लोरो ऑर्गेनिक्स हो सकते हैं या क्लोरामाइंस हो सकते हैं। यानी कि वेरियस ऑर्गेनिक कंपाउंड हो सकते हैं जैसे कि प्रोटीन, जैसे कि यूरिया। तो जब ये होंगे हमारे वाटर में तो ये क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेंगे और क्लोरीन इनको ऑक्सीडाइज करेगा। तो जब हमारे वाटर में ये प्रेजेंट होंगे तो हाउ मच अमाउंट ऑफ क्लोरीन वी रिक्वायर्ड टू डिसइंफेक्ट दैट टाइप ऑफ वाटर और दैट सैंपल ऑफ वाटर, ये पॉइंट निकल के आता है। क्योंकि अगर हम इस वाटर में क्लोरीन ऐड करते हैं इट कैन नॉट एक्ट फ्रीली विच कैन एक्ट एज अ डिसइंफेक्टेंट। क्लोरीन फ्रीली डिसइंफेक्टेंट की तरह वर्क नहीं कर सकती है। इसको हम एक चार्ट के थ्रू भी समझ सकते हैं कि यहां पर आपको एक चार्ट दिखाई दे रहा है जिसमें एक्स एक्सिस पर हम क्लोरीन की डोज या अप्लाइड डोज ऑफ क्लोरीन देख रहे हैं और वाई एक्सिस पर हम रेजिडुअल क्लोरीन देख रहे हैं कि कितनी रेजिडुअल क्लोरीन प्रोड्यूस होगी। रेजिडुअल क्लोरीन देख समझते हैं ये क्या है। देखिए हम यहां पर क्लोरीन ऐड करते जा रहे हैं, क्लोरीन की डोज ऐड कर रहे हैं। पॉइंट ए तक कोई भी रेजिडुअल क्लोरीन नहीं मिली है, पॉइंट ए तक कोई भी रेजिडुअल क्लोरीन नहीं मिली है। क्योंकि जब हम इतना अमाउंट क्लोरीन का ऐड करते हैं तो डिस्ट्रक्शन ऑफ क्लोरीन हो जाता है बाय द रेजिडुअल रिड्यूसिंग कंपाउंड्स। जो भी हमारे रिड्यूसिंग कंपाउंड होते हैं वो इस क्लोरीन के साथ रिएक्ट करते हैं और क्लोरीन इनको ऑक्सीडाइज करती है। तो अभी तक जो क्लोरीन है वो रेजिडुअल नहीं है, बची नहीं है हमारे इम्प्योरिटीज के बाद या उनके रिएक्ट करने के बाद। तो अभी भी कोई रेजिडुअल क्लोरीन हमें नहीं मिलती है। लेकिन अगर हम देखें ए से बी की तरफ तो यहां पर हमें एक कर्व लाइन मिली है, यहां पर हमें रेजिडुअल क्लोरीन मिलती है। ये रेजिडुअल क्लोरीन यानी कि जब हम क्लोरीन को ऐड कर रहे हैं तो ये क्लोरो ऑर्गेनिक या क्लोरामाइंस बना देता है। हमारे पानी में जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रोटीन या यूरिया होंगे वो उसके साथ कंबाइन करेंगे और क्लोरो ऑर्गेनिक्स या क्लोरामाइन कंपाउंड्स बना देंगे। यानी कि यहां पर रेजिडुअल क्लोरीन है बट वो फ्री अमाउंट में नहीं है, वो कंबाइंड फॉर्म में है। दैट्स व्हाई कि वी आर सेइंग दैट इज कंबाइंड रेजिडुअल्स, दैट इज कंबाइंड रेजिडुअल्स। अब हम अगर और क्लोरीन की अमाउंट ऐड करते चले जाएं तो वी कैन मूव फ्रॉम बी टू सी पॉइंट। तो यहां देख सकते हैं कि कर्व नीचे की तरफ जा रहा है। यहां पर डिस्ट्रक्शन ऑफ क्लोरामाइंस और क्लोरो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, ये पार्शियल डिस्ट्रक्शन होता है। लेकिन अगर हम क्लोरीन की और अमाउंट ऐड करते जाएं तो हम देख सकते हैं कि हमें फ्री रेजिडुअल क्लोरीन मिलती है, फ्री रेजिडुअल क्लोरीन मिलती है। ठीक, तो यहां पर अगर देखें तो सी एक ऐसा पॉइंट है जहां पर सारी इम्प्योरिटीज क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर चुकी हैं या क्लोरीन उन सारी इम्प्योरिटीज को ऑक्सीडाइज कर चुका है। अब जो भी हम एक्स्ट्रा अमाउंट ऐड करेंगे क्लोरीन की आफ्टर द पॉइंट सी इट विल यूज्ड एज डिसइंफेक्टेंट। सो दिस पॉइंट सी इज नोन एज ब्रेक पॉइंट। अगर हम देखें कि हम फ्री रेजिडुअल क्लोरीन कितनी है उसको कैलकुलेट करना चाहें तो हम समझ सकते हैं कि ये पॉइंट देखिए यहां तक जो भी है इस पॉइंट तक कंबाइंड रेजिडुअल है जबकि ये फ्री रेजिडुअल क्लोरीन है। अगर मैं इस टोटल अमाउंट को देखूं कि कितनी फ्री क्लोरीन हमें मिली है, ये जो हम रेड से दिखा रहे हैं अगर आप इसको देखें तो ये टोटल अमाउंट ऑफ क्लोरीन है। इसमें से ये माइनस कर दिया जाए, ये सब्सट्रैक्ट कर दिया जाए तो मुझे फ्री रेजिडुअल क्लोरीन मिल जाएगी। तो क्या डेफिनेशन होगी ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन की? ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन इज अ पॉइंट वेयर ऑल द इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन वॉटर सच एज रिड्यूसिंग कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, अमोनिया आर ऑक्सीडाइज्ड बाय क्लोरीन एंड फर्दर द क्लोरीन एडेड एक्ट्स एज डिसइंफेक्टेंट टू किल द पैथोजन। तो इस पॉइंट को ही हम बोलते हैं ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन। और क्लोरीनेशन एक ऐसा मेथड है जिसको कि वाटर के डिसइंफेक्शन मेथड के लिए यूज किया जाता है।
अब कितना अमाउंट क्लोरीन का रिक्वायर होगा उस वाटर सैंपल के लिए, पर्टिकुलर उस वाटर सैंपल के लिए जिसको हम प्योरीफाई करना चाहते हैं, वो इस तरीके से निकाला जा सकता है कि कब मेरी क्लोरीन एज अ डिसइंफेक्टेंट काम करेगी, तो हमें कितनी अमाउंट ऐड करनी होगी। सो दिस इज ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन। आई होप आप सभी को ये अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। थैंक यू।